जय श्री जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, हरिद्वार उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, गवर्नमेंट जॉब की बात हो, तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ उपाय बताने आए। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और पूरे दिन में बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, और जिन पे लोग मुझे बताते हैं और पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स के बारे में बहुत लोग पूछते हैं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिनका शादी के बाद भी संबंध बना हुआ है किसी ना किसी पुरुष या स्त्री के साथ। ऐसे लोग भी बहुत सारे मैसेज करते हैं, और लड़के लड़कियां तो रूटीन में करते ही करते हैं कि हमारी शादी हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। इसी श्रृंखला में मेरे पास कुछ ऐसे लोगों का भी मैसेज आता है जो मुझे ये बताते हैं कि पहले तो उनका जीवन साथी या उनका बॉयफ्रेंड या उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस थे, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और फिर पता नहीं क्या हुआ है कि अचानक से उनका दोस्त या उनकी गर्लफ्रेंड अब उनसे बात ही नहीं करती है, और पूरा पूरा दिन हो जाता है उसके फ़ोन का वेट करते हुए, वो बात नहीं करता है बिल्कुल भी, किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं देता है। ऐसे लोग मुझे बहुत से मैसेज करती हैं, लड़कियां भी मैसेज करती हैं, लड़के भी मैसेज करते हैं कि माँ पता नहीं क्या हो गया है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, कोई रीज़न नहीं है, क्यों ब्लॉक कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आपकी जीवन में भी कोई ऐसी ही कंडीशन आ गई है जिसमें आपका जो साथी है उसने आपको अगर ब्लॉक कर दिया है, बात ही नहीं कर रहा है, आप चाहते हैं कि वो आपके नंबर को अनब्लॉक कर दे और साथ में आपसे शादी कर ले, तो प्रेम विवाह करने के लिए या विवाह करने का ही मैं आज आपको एक अच्छा सा उपाय बताने आई हूँ। इस उपाय को नोट कर लीजिए, पेंसिल निकालिए और लिखिए, पेन पेंसिल निकालिए, लिखना शुरू कीजिए। तो आपको सिर्फ करना ये है कि माता लक्ष्मी के मंदिर जाइए, एक नारियल लीजिए, उस पर लाल रंग की चुन्नी लगाइए, उस पर कलावा लपेटिए और माता लक्ष्मी के मंदिर में उसको चढ़ा दीजिए। माता से प्रार्थना कीजिए कि मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, और मेरी इच्छा है कि मेरी इसी से शादी हो जाए, और वहाँ पे सिंदूर जरूर चढ़ाना है। चढ़ावा सिंदूर ही वापस अपने घर पे लेके आएंगे, और उसके बाद आपको प्रत्येक दिन शाम को एक दिया जलाना है देसी घी या सरसों के तेल का, और वो जो सिंदूर आपने वहाँ चढ़ाया था जिसको आप उठा के लाए थे, उसी सिंदूर की थोड़ी सी चुटकी भर दिए में डाल दीजिएगा, और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आपका साथी आपसे शादी कर ले। रोज़ माँ की स्तुति करेंगे, माँ की आरती करेंगे, इसे लगातार कीजिए, इसके असर से आपका साथी आपसे शादी के लिए तैयार हो जाएगा, कुछ महीनों में ही शादी भी तय हो जाएगी। करके देखिए, अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन नंबर का वेट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब के 3 चैनल हैं, वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ, हर हर महादेव।